ये और नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को सोचना चाहिए था कि जो बिहारी का हक है पहले बिहारी को देना चाहिए, क्या सोच के वो अदर स्टेट को दे रहे हैं। तो अब इसके अलावा क्या चाह रहा है, मेरे पास सड़क पे ना उतरे तो घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का बेरोजगार करके रख दिया है सरकार, तो सरकार हम लोग तो बेरोजगारी हालत में उतार दिया। कुछ नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि सरकार आंख से अंधा कान से बहरा हो गया है। बहाली तो निकाली है सरकार, बहाली निकाली है लेकिन 28 राज्य को निकाली है बिहार। हाँ, हम लोग को 10% अदर स्टेट में मिलता है, ये कहाँ की बहाली है? क्या बिहार में हम लोग को योग्यता की कमी है क्या? यहाँ से सब IPS IAS सब बनता है और यहाँ एक शिक्षक नहीं बन सकता है? यहाँ जहाँ से भी टॉपर निकलते, जो भी निकलते हैं ना, IAS में हो, मेडिकल हो, जो भी एग्जाम क्वालिफ, टॉपर जो रहता है ना वो बिहारी ही होते हैं। नीतीश कुमार को इतना भी अथी नहीं है कि हम लोग में इतना, ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यहाँ रसायन का शिक्षक नहीं है, अच्छा है क्या वो एग्जाम लिए हैं इसका? अगर एग्जाम लेके देखे तो योग्यता निकलता है या ना निकलता है? अगर नहीं निकलता है तो हम लोग फिर झंडा मोर के हम घर में बैठ जाएंगे। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पे उतर चुके हैं। नई शिक्षक नियमावली बहाली में जिस तरह से डोमिसाइल नीति हटाई गई, उसके बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो काफी उग्र हो गए। गांधी मैदान से निकलकर JP गोलंबर तक पहुंच चुके हैं और गवर्नर हाउस घेरने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहीं पे प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। देखिए तस्वीर जो है JP गोलंबर की दिखा रहे हैं, जहां पे तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे कि क्यों आप लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा है और क्या मांग कर रहे हैं। तो अब इसके अलावा क्या चाह रहा है, मेरे पास सड़क पे ना उतरे तो घर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि सरकार आंख से अंधा कान से बहरा हो गया है। बहाली तो निकाली है सरकार, बहाली निकाली है लेकिन 28 राज्य को निकाली है बिहार। हाँ, हम लोग को 10% अदर स्टेट में मिलता है और यहाँ बिहार को 50% दे दिया है अलग स्टेट को, ये कहाँ की बहाली है? क्या बिहार में हम लोग को योग्यता की कमी है क्या? यहाँ से सब IPS IAS सब बनता है और यहाँ एक शिक्षक नहीं बन सकता है? नीतीश कुमार को इतना भी अथी नहीं है कि हम लोग में इतना, ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि यहाँ रसायन का शिक्षक नहीं है, अच्छा है क्या वो एग्जाम लिए हैं इसका? अगर एग्जाम लेके देखे तो योग्यता निकलता है या ना निकलता है? अगर नहीं निकलता है तो हम लोग फिर झंडा मोड़ के हम घर में बैठ जाएंगे। देखिए और शिक्षक अभ्यर्थी हैं महिला, क्या कहेंगे अब जो सड़क पे उतर गए, तिरंगा ले लिए, कह रहे आप लोगों में योग्यता नहीं है, साइंस आती है आपको? क्यों ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये अपने हक के लिए कर रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं कि बिहारी को नॉलेज नहीं है, अदर स्टेट को मंगवा रहे हैं, क्या यहाँ जहाँ से भी टॉपर निकलते, जो भी निकलते हैं ना, IAS में हो, मेडिकल हो, जो भी एग्जाम क्वालिफ, टॉपर जो रहता है ना वो बिहारी ही होते हैं, और हम लोग जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए रहे। ये नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को सोचना चाहिए था कि जो बिहारी का हक है पहले बिहारी को देना चाहिए, क्या सोच के वो अदर स्टेट को दे रहे हैं। और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे अब तो सड़क पे उतर चुके हैं, तिरंगा भी ले लिए हाथों में। जी सर, क्या करेंगे, हम लोग का बेरोजगार करके रख दिया है सरकार, तो सरकार हम लोग तो बेरोजगारी हालत में उतार दिया। अब हम तो दे रही है सरकार, निकाली तो है, निकाली है लेकिन पहले तो इसका हर दिन एक एक संशोधन हुआ है, ऐसा बहाली आज तक नहीं देखे हैं। हर दिन एक संशोधन हो रहा है, आज हो रहा है कि जो सीटेट पास है वो लोग सिर्फ भरेगा, कल हो गया जो BEd में एडमिशन लिया है वो लोग भी भरेगा, परसों फिर हो गया कि नहीं जो सीटेट पास नहीं वो भी BPSC का एग्जाम देगा। कैसा संशोधन है, हर दिन एक संशोधन हो रहा है, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश नहीं आती आप लोगों को, इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है तो वो जो बैठे हुए शिक्षा मंत्री उनसे पूछिए कि इतना दिन से व्यवस्था खराब था तो आप कहाँ बैठे हुए थे? वही तो सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सुधारने के लिए तो संशोधन, ऐसा नहीं है ना कि हर दिन एक संशोधन हो रहा है, यहाँ का IPS IAS सब लोग बन रहा है और बिहार कुछ नहीं है। जरूर देखिए तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और हजारों की संख्या में जुट गए JP गोलंबर के पास है। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है अपनी डोमिसाइल नीति जो जिस तरह से हटाई गई है उसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी से सुना कि बहाली तो निकाले लेकिन देखिए किस तरह से कर दिए, 28 राज्य का द्वार खोल दिए। यहाँ पे क्या टैलेंट की कमी है क्या? और शिक्षा मंत्री कहते हैं टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है तो यहाँ से IAS IPS और मेडिकल में टॉप कैसे करते हैं? इन्हें जो है इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि देखिए हम लोगों के लिए जिस तरह से बहाली निकाली, हर दिन नया नया संशोधन होता रहता है और पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक 8 बार संशोधन हो चुके हैं। नई जो नियमावली है इसमें डोमिसाइल नीति जो हटाई गई है उसे फिर से लागू करें, नहीं तो हम लोग जो है CM हाउस और गवर्नर हाउस भी घेराव करने का काम करेंगे।